ज़कोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और क्लियोपेट्रा को हसीन नागन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गरूब हो गया था और मशालें जल उठी थीं। सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े पर सवार आ गया। उसके दाएं बाएं आगे और पीछे उसके उन मुहाफ़िज़ों के घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतखब किए थे। इसी दस्ते में से उसने 10 मुहाफ़िज़ शाम से पहले ही यहां लाकर सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साजों ने दफ की आवाज पर इस्तकबालिया धुन बजाई और सहरा अमीर सलाहुद्दीन अयूबी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपकी जान निसार अजमत इस्लाम के पासबान आपको बसरो चश्म खुश आमदीद कहते हैं। उनके बेताबियां और बेकरारियां देखिए, आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के लिए उसे जितने अल्फाज याद आए उसने कह डाले। जो ही सलाहुद्दीन अयूबी अपनी शहाना निशस्त पर बैठा, सरपिट दौड़ते घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। घोड़े पर जब मशालों की रोशनी में आए तो सबने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से दौड़ते आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था। इनके पास हथियार नहीं थे, वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रकाबों में पांव जमा कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगामें एक एक हाथ में कर ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों अतिराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश की। जब घोड़े आगे निकल गए तो वो 2 सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और वो इसे अपने घोड़े पर डालकर ले जा रहा था। हुजूम ने इस कदर शोर बपा किया कि अपनी आवाज अपने आप को भी नहीं सुनाई देती थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से 4-4 और घोड़े आए और इसी तरह मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए और इसके बाद शुतर सवार आए। फिर घोड़ा सवारों और शुतर सवारों ने सवारी के मुतअद्दद करतब दिखाए। इसके बाद तैग जनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहरे हुए जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हो गए। सलाहुद्दीन अयूबी शुजात और बेखौफी के इन मुजाहिरों और मुकाबलों में जज़्ब होकर रह गया था। उसे ऐसी ही बहादुर फौज की जरूरत थी। इसने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलीबियों को घुटनों बिठा सकता हूँ। अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो वह पहले भी दे चुका था। इसने कहा, अगर नाजी से कमान ले ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा, मगर सलाहुद्दीन अयूबी नाजी जैसे जहीन और तजर्बाकार सालार को सबकदोश करने की बजाय सुधार कर राह हक पर लाना चाहता था। वह इस जश्न में अपनी आंखों से यही देखने आया था कि यह फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। इसे नाजी की इस दरख्वास्त से ही मायूसी हो गई थी कि इसके सिपाही और कमानदार शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस दरखास्त को इसी वजह से मंजूर किया था कि वो देखना चाहता था कि ये लश्कर किस हद तक ऐशो इशरत में डूबा हुआ है। बहादुरी, शाह सवारी और तैग जनी वगैरह के मुजाहिरों और मुकाबलों में तो ये फौज अस्करी और जंगी मयार पर पूरी उतरती थी, मगर खाने का वक्त आया तो ये फौज बदतमीजों, बिला नोशों और हंगामा परवर लोगों का बेकाबू हुजूम बन गई। खाने का इंतजाम वसीओ अरीज मैदान में किया गया था। एक तरफ फौज के कमोबेश 2000 आदमियों के लिए खाना चुना गया था और उनसे जरा दूर सलाहुद्दीन अयूबी और दीगर बड़े मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम था। सैकड़ों सालम दुम्बे और बकरे ऊंटों के सालम राने और हजारों मुर्ग रोस्ट किए गए थे। दीगर लवाजमात का कोई शुमार न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मशकीजे और सुराहियां रख दी गई थीं। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े, घटाघुट शराब चढ़ाने लगे और मारकाए आराई होने लगे। सलाहुद्दीन अयूबी यह मंजर देख रहा था और खामोश था। इसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जो ये जाहिर करता कि वो क्या सोच रहा है। इसने नाजी से सिर्फ इतना पूछा, 50,000 फौज में से आपने ये सिपाही दावत के लिए किस तरह मुंतखब किए थे? क्या ये आपके बदतरीन सिपाही हैं?